आज हम लोग पढ़ते हैं बायो का एक चैप्टर जिसका नाम है कोशिका विभाजन। आज हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होता है विभाजन? मतलब होता है टूट जाना। नाम है विभाजन, मतलब अलग हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि एक सेल है, एक कोशिका है ना, जिसको हम लोग पैरेंट सेल बोलते हैं। क्या है? पैरेंट सेल ना, कोशिका है। अब कहता है कि यही कोशिका बीच से टूट करके ना, बीच से विभाजित होकर के दो अलग-अलग डॉटर सेल का निर्माण कर देता है। जैसे इसी से टूट करके एक और सेल बन गया, अब इससे टूट करके एक और सेल बन गया ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डॉटर सेल ना, डॉटर सेल। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता है? एक पैरेंट सेल होता है, वो क्या होता है? अपने आप बीच में से विभाजित होकर के ना, दो नए सेल का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। अब ये जो कोशिका विभाजन है, ये जो कोशिका विभाजन है, सर्वप्रथम किसने देखा? तो 1855 ईस्वी में ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिरचाऊ। बिरचाऊ वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में पहला बार देखा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम जो किसने देखा था, तो वो देखा था बिरचाऊ ने ना, बिरचाऊ देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कोशिका विभाजन है वो तीन प्रकार का होता है ना, या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ना असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन ना, इंग्लिश में हो गया अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस ना, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अब देखिए, अगर आप देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन आखिर किसमें होगा ना, अर्धसूत्री विभाजन आखिर किसमें होता है, तो वो होता है आपको ना प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव ना, वो होते हैं जिनका जो सेल है वो अविकसित है। जैसे शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया ना, हरे नीले शैवाल हो गए इत्यादि, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें होता है कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन, माइटोसिस ना, समसूत्री, नाम है समसूत्री ना। तो जो समसूत्री विभाजन होता है ना, ये किसमें होता है? कायिक कोशिका में। किसमें होगा? कायिक, कायिक मतलब हमारे शरीर में होगा ना, मतलब काया शरीर, शरीर में होता है कौन सा? समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो होता है जनन कोशिका में ना, जनन कोशिका। जैसे मेल है ना, मेल में क्या है? स्पर्म है, उसमें विभाजन होगा। और फीमेल में क्या होता है? अंडाणु ओवम होता है, उसमें विभाजन होता है। तो चलिए हम लोग डिटेल से तीनों को पढ़ते हैं ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री, सॉरी असूत्री, फिर समसूत्री और फिर अर्धसूत्री, तीनों को हम लोग डिटेल से देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री नहीं, पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले ना असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन ना, इसको बोलेंगे अमाइटोसिस, अमाइटोसिस, अमाइटोसिस ना, अमाइटोसिस। तो हम क्या बोले? ये किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीव में ना, जैसे हम बोलते हैं ये किसमें होता है? अविकसित कोशिका में, अविकसित, अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका में ना। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, कौन? जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किसमें होगा? जो अविकसित कोशिका है ना, जैसे हम आपको बोलते हैं ना अमीबा हो गया ना, जैसे जैसे क्या? अमीबा ना, अमीबा हो गया ना, इसके बाद में जीवाणु हो गया ना, जीवाणु हो गया ना, हरे नीले शैवाल हो गए ना, इसके बाद प्रोटोजोआ हो गया ना, प्रोटोजोआ ना, इत्यादि लिख लीजिए।
ना इतना भी देखेंगे जो एक कोशिकीय है, जो एक कोशिकीय है ना, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बनता है, उसमें ना कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह बड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा कोशिका नहीं होते हैं, सिर्फ आपको केंद्रक मिल जाएगा ना, लाइसोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाता है ना, और एकाधु माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास होगा ना होता है। इसके बाद इसमें सारे फंक्शन नहीं होते हैं ना, मतलब नाम है अविकसित कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन जो हमारा जो सेल है ना, हमारा पूरी तरह से विकसित सेल होता है। चलिए देखेंगे असूत्री विभाजन समझ गए, इसमें जी प्रोकैरियोटिक जीव में ना जिसका जो शरीर है ना वो अविकसित कोशिका से मिलकर के बना है, जैसे आप अमीबा ना प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु, हरे निलेसवाल इत्यादि ना सब आ जाएंगे एक कोशिकीय किस्में असूत्री विभाजन में। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग समसूत्री, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन ना इंग्लिश में इसको लिख लीजिए माइटोसिस, माइटोसिस। अब देखेंगे इसका जो खोज है, पहले हम लोग खोज देख लेते हैं, खोज कौन किया है, इसका जो खोज है ना उसका नाम है वाल्थेयर, वाल्थेयर फ्लेमिंग, वाल्थेयर फ्लेमिंग, वाल्थेयर फ्लेमिंग ना। तो समसूत्री विभाजन का खोज कौन किया है, वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है, वो आपको ना 1879 में ना किसका खोज किया गया है, समसूत्री विभाजन का, ठीक है। अब ये जो विभाजन होता है ये किस में होता है, तो यह कायिक कोशिका में होता है ना, किस में होगा जी कायिक कोशिका, किस में विभाजन होता है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका को इंग्लिश में सोमेटिक सेल कहते हैं, सोमेटिक सेल ना, सोमेटिक सेल में यह विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन, सोमेटिक सेल में होता है। अब देखेंगे जैसे हम आपको बताते हैं जब हमारा शरीर कट जाता है ना, कभी कट उठ गया, घाव हो गया ना, तो उसको भरने के लिए, घाव को भरने के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना। तो आपके शरीर में कटे छट गए ना, कट उठ गए या आपका घाव हो गया, उसमें कौन सा विभाजन होता है ना, समसूत्री विभाजन होता है ना, सोमेटिक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर आपका जो घाव है पूरी तरह से भर जाता है, तो घाव को भरने में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, कहाँ होगा कायिक कोशिका, कायिक कोशिका मतलब हमारे शरीर में, कहाँ होगा हमारे शरीर में, अगर आपके शरीर के कहीं भी हिस्से में कटा हुआ है ना, तो वहां जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। खोज कौन किया है, वाल्थेयर फ्लेमिंग, तो इसका नाम क्या दिया था माइटोसिस, इसका नाम क्या दिया माइटोसिस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो जो आपको समसूत्री विभाजन है यह पांच प्रकार की होती है ना, समसूत्री विभाजन कितने प्रकार के ना, इसकी पांच अवस्था होती है, पांच अवस्था, पांच अवस्था इसकी होगी ना, पांच अवस्था होगी। देखिए पहला होता है इंटरफेज ना, इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, प्रोफेज ना, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है आपका ना एनाफेज, एनाफेज, और पांचवा होता है आपको टेलोफेज। टेलोफेज ना, तो पहले देखेंगे इसकी जो आपका आप जो देखिए ना ये जो समसूत्री विभाजन, इसकी कितनी अवस्था होती है, कितनी अवस्था में इसका जो विभाजन होता है, तो पांच अवस्था में होता है। सबसे बड़ा कौन होता है इंटरफेज ना, सबसे बड़ी अगर अवस्था पूछे तो कौन होता है इंटरफेज, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन हो गया, सबसे ना सबसे बड़ी अवस्था, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन होता है इंटरफेज, सबसे बड़ी अवस्था कौन हो गया इंटरफेज ना। तो हम तो देखें पांच प्रकार का जो होती है, पांच अवस्था जो होती है वो किसका होता है,
होता है समसूत्री विभाजन का। पहला इंटरफेज, पहला इंटरफेज सबसे ज्यादा समय कहां लगता है? इंटरफेज में ना, सबसे बड़ी अवस्था कौन होती है? इंटरफेज। दूसरा देखते हैं प्रोफेज, यहां ना केंद्र का विभाजन हो जाता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? गायब ना, या टूट जाती है, टूट टूट जाती है, गायब हो जाती है। और किसका विभाजन होने लगता है? केंद्रक का विभाजन शुरू हो जाती है। तो केंद्रक का विभाजन कहां शुरू होती है? प्रोफेज में। कहां होती है? प्रोफेज में। और जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्र के ऊपर जो झिल्ली होती है ना, वो क्या हो जाती है? गायब होने लगती है, टूटने लगती है। देखिए यहां होता है ना स्पिंडल फाइबर का निर्माण, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण ना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण किसमें होता है? मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर का निर्माण मेटाफेज में। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोशिका है ना, कोशिका के अंदर मान लीजिए केंद्रक है ना, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो देखिए स्पिंडल फाइबर क्या करता है? स्पिंडल फाइबर क्या करता है? इसको दो भागों में तोड़ने के काम करता है, दो भागों में अलग करने के जो काम करता है स्पिंडल फाइबर आपका करेगा। ठीक है, जितने भी है, जैसे राइबोसोम है, फैगोल्स है, अंतःप्रद्वी जालिका है ना, लाइसोसोम है, वो सबको तोड़ने का, अलग करने का जो काम करता है वो कौन करता है? स्पिंडल फाइबर ना। उसका निर्माण किसमें हो जाएगा? मेटाफेज में। अगर आपसे पूछे ना कि समसूत्री विभाजन में ना सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, तो सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था अगर आपसे पूछे, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, तो सबसे छोटी अवस्था कौन होती है? ये कौन होती है? एनाफेज। कौन होती है? एनाफेज ना। और कहा जाता है जितने भी कोशिका, जैसे हम आपको बताया केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है ना, वैकोल्स है ना, तो सब क्या होता है कि टूट टूट के केंद्र की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, केंद्र ध्रुव की ओर ना, सॉरी केंद्र की ओर नहीं, ध्रुव की ओर। जैसे कि आपका है ना, सब यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, ये जो है ये आपको इधर आ जाएंगे, बीच में क्या हो जाएगा? खाली, फिर यहीं से आपका क्या हो जाएगा? टूट जाता है, विभाजन हो जाता है। तो कहेगा कि ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर कौन फेज में जाते हैं? तो देखेंगे ध्रुव की ओर, ध्रुव मतलब कौन? ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर ना किस फेज में जाते हैं? तो एनाफेज में। और पूरी तरह से जो कोशिका विभाजन, पूर्ण विभाजन, पूर्ण विभाजन, पूर्ण विभाजन कोशिका के किस फेज में हो जाता है? एनाफेज में ना। अगर एक बात और है, जैसे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो समसूत्री विभाजन की प्रथम चरण क्या होती है, तो जब प्रथम चरण पूछे और इंटरफेज ऑप्शन में न रहे, तो आप वहां पे प्रोफेज लगाइएगा ना, क्या लगेगा? प्रोफेज। इंटरफेज ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोफेज हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखिए, आप पढ़ लिए असूत्री, पढ़ लिए समसूत्री, पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा कौन पढ़ते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन। इसको जो बोलते हैं हम लोग मियोसिस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मियोसिस, मियोसिस बोला जाता है। देखिए इसका अगर खोज पूछे, तो खोज किया है बीजमैन, खोज क्यों किया है? बीजमैन ना। लेकिन जो नामकरण है, नामकरण कर दे, नामकरण कर दे, वो है फार्मर, फार्मर एवं, फार्मर एवं, एवं मुरे, फार्मर एवं मुरे ना, मुरे। ठीक है, अगर आपसे देखेंगे मुरे बने से, फार्मर एवं मुरे ना, तो नामकरण कौन किया है? नामकरण किया फार्मर एवं मुरे, नामकरण कौन किया? फार्मर एवं मुरे। लेकिन जब खोज पूछे कि खोज कौन किया है, तो बीज मैंने इसका खोज किया है। हम क्या बोले हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है किसमें होता है? तो ये जो आपका होगा ना जनन कोशिका में, किसमें होता है जी? जनन कोशिका में होती है, जनन कोशिका में होगा ना, जनन कोशिका में होगा। कहाँ होगा? जनन कोशिका में होता है ना, जनन कोशिका में इसका विभाजन होता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। नाम है अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री जो होगा आधा आधा होता है। क्या नाम है? अर्धसूत्री मतलब आधा आधा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा उसको विस्तार से। अगर मानिए कि गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र
23 जोड़े मतलब टोटल कितने हैं 46, टोटल कितने हैं 46 ना, जोड़े में 23। अब ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का गुणसूत्र होता है ना, एक होता है ऑटोसोम ना, एक होता है ऑटोसोम, अब एक होता है पोलोसोम, ऑटोसोम और पोलोसोम, ऑटोसोम और पोलोसोम टोटल कितने होते हैं 46। देखिए ऑटोसोम का जो संख्या है वो होता है 44, कितने होते हैं 44 ना, और दो होते हैं, जो दो है ना इसके अंदर जो दो है, दो कौन होते हैं पोलोसोम, और टोटल कितने हो 46 हो गया कि नहीं। जैसे ऑटोसोम की संख्या कितने 44 और ऑटोसोम की संख्या कितनी 2, ऑटोसोम 44 और ऑटोसोम 2, टोटल कितने हो गए 46। और हम बताया था कि गुणसूत्र कितने होते हैं 46 होते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे आधा आधा करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए पिता है, तो पिता में ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी 44 होगी ना, और दुगो कौन हो जाएगा, दुगो आपको हो जाएगा ऑटोसोम ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स और वाई। तो देखेंगे 44 और 2 टोटल कितना हो गया 46 हो गया ना। तो इसे अब देखें माता, माता देखते हैं, माता जो माता जी है ना, तो माता में भी ऑटोसोम की संख्या कितनी 44 और 2 को क्या हो जाएगा ऑटोसोम, इसको हम क्या बोलेंगे एक्स एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स किसमें माता जी में और एक्स वाई किसकी पिताजी में। अब दोनों से जो संतानित बच्चा जो होगा, बच्चा जो पैदा लेता है ना, अब देखेंगे बच्चा कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। हम क्या बोले गुणसूत्र आपका 46 है, दो वो है ऑटोसोम, 44 को है ऑटोसोम ना, तो ऑटोसोम की संख्या कितने हैं ऑटोसोम 44 और दो ऑटोसोम, टोटल हो गया 46। ठीक है, अब समझिए कि जो नाम है अर्धसूत्री विभाजन, क्या नाम है अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा आपका कि देखेंगे 22 को, देखेंगे 22 को पिताजी में से, देखेंगे 22 को पिताजी, 22 को पिताजी, 22 को माताजी में से आएगा आधा आधा, देखेंगे पिताजी में से 44 और माताजी में भी कितने होते हैं 44 होते हैं। ठीक है, तो अब 22 को पिताजी और 22 को माताजी में से आ जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्र अब जो होता है, अब जो दो को आएगा, अब दो को और देखेंगे ना इसमें जुटेंगे, टोटल कितना हो गया 44, कितना हो गया 44। अब दो को और आएगा इसमें, अगर पिताजी में से एक्स आ गया तो माता जी में एक्स ही एक्स है, तो क्या हो जाएगा लड़की, क्या हो जाएगा लड़की ना। अगर मान लीजिए कि 44 ना, 44 जो है 22 को पिताजी में से, 22 को माता जी में से आ गया 44। ठीक है, और मान लीजिए इधर ऑटोसोम एक आ गया, वाई आ गया पिताजी में से, अब एक्स आ गया माता जी में से, तो क्या हो जाएगा आपका लड़का, क्या हो जाएगा नाम है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब आधा आधा 22 को पिताजी में से, 22 को माताजी में से, कितना हो गया 22 44। अब दो को बचा है ऑटोसोम, सॉरी ऑटोसोम, ऑटोसोम एक को आएगा माताजी पिताजी में से, एक को आएगा माताजी में से ना। अगर एक्स एक्स रहा तो लड़की हो जाएगा, और एक्स एक्स सॉरी एक्स वाई रहा तो क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।